सिविलाइज्ड इंडियन। तो टमाटर बेचते हैं जी 80 रुपए किलो मैम। 80 रुपए किलो जी। तो क्या डिमांड का क्या चल रहा है? डिमांड का क्या बताने को, तो कुछ भी बता दो, 120 बता दो, 110 बता दो, 100 बता दो, लेकिन परफेक्ट में 80 रुपए किलो बेचते हैं। डिमांड जैसे लोग कस्टमर कितने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं पहले से कि नहीं? अरे नहीं, बहुत टमाटर बिक रहा है दिल्ली में, इससे ज्यादा कोई चीज ही नहीं बिक रही। जो चीज महंगी होती है दिल्ली में वो चीज बिकती है। दिल्ली की आपूर्ति कहीं ना कहीं से करनी है। हाँ बिल्कुल करनी है। अरे मैडम एक बात तो बताइए, ये आप हमें जनता को दिखा रहे हैं, तो आप जनता को ये भी दिखाइए ना कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। और बेसिक जो है वो रसोई में खा ले पहले। नहीं सुन तो लीजिए मेरी बात, अगर थोड़ी सी भार पहुंच जाए तो इससे बेहतर है या नहीं? आप टमाटर की डिटेल ले रही है, मैंने दे दी, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अंत जो महंगी हैं। अदरक है देखो इधर 250 रुपए किलो, लहसुन है 200 रुपए किलो, नींबू है 150 रुपए किलो, मिर्च है 100 रुपए किलो। धनी नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी अंग चीज़ें हैं जो महंगी हैं ओखला सब्जी मंडी में। बाकी अगर आपको दिखाना है तो तेल दिखाइए, पेट्रोल दिखाइए, डीजल दिखाइए, अंग चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं जो गरीब आदमी कभी नहीं खरीद पा रहा। मैं रोटी की जगह चावल खा रहा हूँ, आटा 35 रुपए किलो हो गया, पहले 20 रुपए किलो खरीदता था मैं। आटे का रेट 35 रुपए किलो है, तेल का रेट 160 रुपए किलो है, पेट्रोल का रेट 104 रुपए है, डीजल का रेट 96 रुपए है। इन चीज़ों पे भी थोड़ा एक्शन उड़ाइए, हमारे जो केजरीवाल साहब बैठे हैं इन तक बात पहुँचाइए। हमारे शहर की तो आप जानती हैं कि देश के प्रधानमंत्रियों को सब चीज़ का पता है, ये तो आप मानते हैं। आप इसमें भी राजधानी है हमारी तो नहीं, आप भी महंगाई में मर रहे हो गए, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि हम ही महंगाई में मर रहे हैं, आप भी महंगाई के नीचे हैं। आपकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि आप भी दुखी हैं महंगाई से, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप भी महंगाई से दुखी है। बिल्कुल, हम पे भी बराबर असर पड़ा, रसोई खाना बनाना पड़ा है। नहीं आप भी रोटी की जगह चावल बना के खा रहे हैं, नहीं ईमानदारी से बताना, होता है नहीं? अब ये तो है, कभी टमाटर डला कभी नहीं डला, तो यही किस्सा मेरे साथ हो रहा है। मैं चावल खाता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी आज मुझे चावल खिला रही है, तो मैं इस सर क्या आमदनी मैडम, आमदनी तो खत्म हो चुकी, महंगाई आसमान छू रही है, सिर्फ कमाने को कुछ भी नहीं बचा। आज मेहनत करके जा रहे हैं, या तो 100 या 200 रुपए लेके जाएंगे और जाते जाते रास्ते मोड़ जाएंगे, 100 का पेट्रोल ले लेंगे, 20 रुपए की बच्चों को चीज़ ले लेंगे और 60 रुपए का दूध ले लेंगे, बचे 20 रुपए, 20 रुपए घर वाली को दे देंगे। अब आप बताइए क्या कर लेंगे 200 रुपए? तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मैडम हम तो गुलाम हैं, कहने वाली बात थोड़ी है, पहले हिंदुस्तान गुलाम था, क्या कहें आज हमें, डोंट टॉक अबाउट माय कंट्री, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जैसे है तो आमदनी उतनी है और खर्चा बिल्कुल, खर्चा बहुत है मैम, आमदनी कुछ नहीं है, 100-200 रुपए कमाते हैं, मजदूर भी मजदूरी करने जा रहा है तो 700 रुपए मांग रहा है, एक नाला वाला नाला सफा कर रहा था वो 1000 रुपए मांग रहा, कल तक मेरी लैट्रिन खराब हो गई उनने 700 रुपए मांगे, बताओ हमसे बढ़िया तो लैट्रिन वाले हैं, मतलब खर्चा तो बस बिल्कुल हो रहा है मैम। इस टाइम महंगाई में मरे पड़े हैं। अगर मैं बात करूं कि पहले का क्या हाल था और आज 10 रुपए किलो टमाटर, खुशामत कर रहे थे मैम ले जाइए, मैम ले जाइए, कोई भी नहीं आ रहा था, बताओ क्या करें। अच्छा कुछ साल पहले की अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो उस टाइम पे जैसे आज 100 रुपए की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपए के लिए लोग आते थे मार्केट में 100 रुपए लेके और भर के सब्जियां लेके जाते थे। हाँ 200 रुपए में ऐसा था, 200 रुपए में 25 किलो का बैग पूरा फुल हो जाता था। एक पालक की गड्डी ले ली 5 रुपए की, कहने वाली बात नहीं है, 40 रुपए का आलू ले लिया 5 किलो, 60 रुपए की प्याज ले ली, 20 रुपए की आधी किलो मिर्चा ले ली, लहसुन ले लिया 40 रुपए का, इस हिसाब से 300-400 रुपए में पूरे बैग की तैयारी हो जाती थी। और अब घर से 500 का नोट निकाल के ला रहा है एक आम आदमी, या नहीं? सबसे पहले टमाटर दिखता है उसे, अगर हिंदुस्तान में कोई चीज़ है तो वो टमाटर, और टमाटर वो भी आजकल कुछ ज़्यादा ही पूछा। हाँ बिल्कुल, जिस चीज़ पे प्यार होता है मैम उसकी कौलियाँ भरी जाती हैं, तो आप भी जानते हैं, तो अगर हमारा प्यार इस टमाटर पे तो सबसे पहले आप इसको ही खरीदेंगी। तो 500 में से 100 तो टमाटर में ही चलेगा। क्यों जाएंगे मैम, आप 2 किलो लोगी तो 200 जाएंगे ना, 1 किलो में 100 रुपए किलो, चलो हाँ 1 किलो मिनिमम खरीदो तो 100 रुपए जाते हैं। 2 किलो टमाटर लेगा 200 रुपए हो गए उसके। हाँ प्याज अब ये 30 रुपए किलो बिक रही है, 150 रुपए थोड़ी महंगाई का, महंगाई तो है ही महंगाई। अब गोभी है, गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है। क्या है कि सब्जी इसलिए लेना आना पड़ा है कि मंडी में जो चीज़ 80 है तो वो 150 है, तो हम सीनियर सिटीजन हैं तो थोड़े बस में पैसा कम लगता है तो आ जाते हैं, लेकिन कई गरीबों को वहीं खरीदना पड़ता है तो उनको ज़्यादा मुश्किल आता है, हाँ फिर आते हैं। और मैडम जहाँ तक आपने जो पूछे सवाल, महंगाई महंगाई ज़्यादा हुई है, आमदनी कम हुई है, लेकिन
लोग, लेकिन उनकी भी गलती नहीं जो मंडी से लोग ले जाएंगे और वहाँ गलियों में बेचेंगे तो दो पैसे उनको भी चाहिए, उनका भी चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ ये नहीं सोचता है आदमी कि एक का डेढ़ हो जाए या एक का सवा हो जाए, लेकिन वो आदमी ये सोच रहा है कि एक के तीन हो जाए तो और अच्छी बात है, यहाँ से ले जाके एक के तीन करने के चक्कर में लगे हैं लोग। कई बार मेरे झंझट हो जाती है लोगों से कि यार मंडी में ये चीज़ यार तू ये वहाँ बेच रहा है 30 रुपये पाव बेच रहे हैं यहाँ तो 150 हो गया, और वही चीज़ वहाँ 70 रुपये किलो तो दुगने से भी ज़्यादा क्यों कर रहा है। तो ये जो हाँ ये स्टॉक में आता है ना, हाँ ये स्टॉक में जो आता है ये यहीं से ले जाके लोग बेचते भी हैं, और इससे आज ही थोड़ा कम हुआ है, ये तो अभी हुआ है। हाँ आज ही कम हुआ, आज 80 रुपये यहाँ मिल रहा है, कल यही 100-120 रुपये यहीं था। टमाटर जो आज यहाँ 30-40 है ना जो बेकार से, वो यहाँ पड़े होते थे पहले, सड़े होते सड़े ऐसे ही पड़े होते थे तो कोई नहीं उठाता, अब उनको भी लोग नहीं लेते थे कोई, तो बेचारे जो बिल्कुल गरीब हैं वो बेचारे बीन के ले जाते उसी से काम चला लेते हैं। जैसे कि आदमी सरकार पर उम्मीद कर रहा था, या केजरीवाल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे कि वायदे करे कि हम पानी फ्री देंगे, 2000 लीटर देंगे, हाँ और पानी 2000 लीटर बोला था केजरीवाल जी ने, हाँ फिर उसके बाद में बोले नहीं 700 लीटर देंगे, उनको ऐसा महसूस हुआ यार गलत बोल दिया, फिर 700 लीटर। मेरे अभी एक रामलीला मैदान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लगभग 10-12 लाख लोगों ने शेयर करा है, यही बात जो मैं बता रहा है इसी से सीमित है महंगाई से। तो ये लोग क्या कर रहा है कि ये कहते हैं बस करते नहीं हैं। अब मान लो तो बड़े बड़े करते हैं देश का, पहले केजरीवाल जी ने कहा था कूड़े के ढेर हम हटा देंगे दिल्ली से, ये करेंगे कहा था ना वो उस टाइम इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन अब कूड़े के ढेर वैसे के वैसे पड़े, क्या हटाया जब वो भाई, अब वो उनके काउंसलर बन गए तो उनका मेयर भी बन गया, लेकिन अभी तक कूड़े के ढेर हटे नहीं, मतलब बातें तो कर देते हैं लेकिन एक सब्जी जो रेट बढ़ा हुआ है गरीब आदमी के लिए, तो ये एग्रीवाल का काम है कि मोदी काम है, बताओ आप ये राज्य सरकार वो हैं दिल्ली सरकार तो उनके हाथ में है, बिजली फ्री कर रखी है, औरतों का किराया फ्री कर रखी है, इसी में घर में घूम रही हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं ठीक है चला रहे हैं, हमारे में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब सब्जी मैं ले जा रहा हूँ, ये पपीता खा रहा हूँ, आलू प्याज टमाटर, ये दो टमाटर मिल जाते हैं मांगने तो दुकान से ही खा लेता हूँ, 120 रुपये किलो बिक रहा है हर जगह, आमदनी 500 रुपये नहीं कमा, घास ये घास है, ये घास जो है ले जाके मैं छोड़ रहा हूँ 80 रुपये में नेहरू नगर आश्रम, इसलिए गर्मी में देख रहे हैं आप, और इसलिए दुकानदार हैं ये पैसे वाले हैं, ये 80 रुपये किलो टमाटर लेके 120 रुपये में बेचते हैं, इनकी बात अलग है, बिरयानी खाते हैं हम, रोटी नमक रोटी खाते हैं, इनके हमारे बहुत फ़र्क है, हाँ इनके जेब में हमेशा पैसा होता है, हम कमाते हैं तो अपने रिक्शे और इसमें लगाते रहते हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही और खर्चा तो मेरे वही है, सारी सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, कहाँ 20 रुपये किलो टमाटर था आज मंडी में 80 रुपये है, बाहर लोग 150 रुपये किलो दे रहे हैं, सारी सब्जी महंगी है, कोई से भी ले लो आप। जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो आपको मतलब आपकी आमदनी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई जब चीज़ महंगी मिलेगी तो हमारी आमदनी भी कम हो जाएगी, लोग कम बैठेंगे, अब वो कह रहे हैं पहले सब्जी देखनी है, घर का खर्च देखेंगे या गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, पैदल चले जाते, बिल्कुल पैदल ही चले जाते, थोड़ी थोड़ी दूर पहले चले जाते, स्टॉप क्लास है इधर उधर आसपास, लेकिन अब कहते हैं यार सब्जी पहले ले लो पैदल निकल लेंगे, क्या करेंगे जाके, जितना खर्चा वो किराए के लिए बचा रखे, बिल्कुल जी ऐसा ही होता है जी, क्या करेंगे। और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तो ये आमदनी तो अब आमदनी तो सीमित है ना, आमदनी तो कोई बड़ी नहीं है, आमदनी तो बड़ी नहीं है, बस खर्चे बढ़ गए, सरकार कह रही है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, डबल हो गई है, दुगनी हो गई है, क्या इनकम कहाँ बढ़ रही है, इनकम तो वही है मैम, बिल्कुल जी इनकम तो कम ही हो रही है। तो खान मार्केट से यहाँ आ रखे हैं, क्या पता मंडी में, मंडी में खान मार्केट से आप यहाँ पे आ रहे, किराया ही लग गया होगा उतना, हाँ क्या करे तो। अच्छा वहाँ क्या भाव है? वहाँ पे भी 100-120 ऐसे ही चल रहा, 100-120 हाँ जी, हाँ तो इस बार बजट पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा, सब्जी तो समझ में आ रहा है कि सब्जी खाएं या दाल खाएं समझ में ही नहीं आ रहा, दाल की सब्जियां हो गई बहुत ज़्यादा, खा सकते हैं लेकिन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि चिकन मटन तो हम लोग खाते नहीं, नहीं तो लोगों के लिए तो चिकन मटन सस्ता हो रहा सब्जी से तो। बदरपुर से आएंगे बेटा मैं, बदरपुर से, वहाँ क्या रेट चल रहा है? वहाँ भी बहुत रेट चल रहा, 150 रुपये
आप जैसे उम्र भी इतनी हो गई, फिर आप वहाँ से यहाँ आ रही हैं, तो क्या करें बेटा, कोई सब्जी भी खाने को दिल नहीं करता, क्या करें, महंगाई बहुत है। तोरई 50 रुपये किलो, भिंडी 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, क्या खाए? टमाटर खरीद रहे। क्या रेट चल रहा है? रेट यहाँ पे 80 रुपये किलो है। सही है क्या? नहीं सही तो नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तक 20 रुपये किलो था, अभी 80 रुपये किलो हो गया। तो जेब पे एकदम से फर्क बहुत है, चार गुना फर्क पड़ गया। तो बजट पूरा हिल गया है बजट? हाँ, टमाटर नहीं हिला दिया अभी, और हरी सब्जियों का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा है अभी, बाकी सब्जियाँ मंडी में आए खरीदारी करने। लोकल मार्केट का क्या है? लोकल मार्केट में तो यहाँ से भी ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे 120 रुपये के आसपास।